हाय गाइस, वेलकम बैक। आज भी हम करेंगे ट्रांसलेशन के कुछ सेंटेंसेस हिंदी टू इंग्लिश में। स्टार्ट करने से पहले आपके उस क्वेश्चन का जवाब मैं दोबारा से दे देती हूँ। जैसे कि आप लोग कई सोचते हो कि अगर हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे अच्छे से बोलना या फिर अच्छे से लिखना, तो क्या हम जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे? हो पाओगे आप, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। जब भी आसपास क्या होगा, कुछ लोग होंगे जो इंग्लिश बोल रहे होंगे, तो आप जो है ना कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, आप अच्छा फील नहीं करोगे, और उस वक्त आपको लगेगा कि काश हमें अंग्रेजी बोलनी आती होती। एक्चुअली बात यह है कि आपकी जो मातृभाषा है ना, वो तो हो सकता है आपके देश में बोली जाती है या फिर कहीं किसी और देश में भी बोली जाती हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इसलिए क्या होता है कि जिस भी देश में हम जाएं, जहां भी जाएं, जिस तरह के लोगों से भी मिले, उनको इंग्लिश तो पक्का आती ही होती है। तो इंग्लिश अगर हम सीख लेंगे ना, तो हम ग्रो ज़्यादा कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में और कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। यही आप चाहते हो कि आप अच्छे से ग्रो करो, 100% ग्रो करो और साथ में कॉन्फिडेंट भी फील करो, तो इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। और ट्रांसलेशन जो है उसका एक बहुत ही प्यारा मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है इंग्लिश को बोलने का और बोलना सीखना और उसमें लिखना भी सीखना। मैं जब आपको बताती हूँ तो मैं बहुत सारे रूल्स जो आपको साथ साथ ग्रामर के भी बताती जाती हूँ, तो इसलिए जितनी भी मेरी वीडियोस हैं ट्रांसलेशन की और स्पोकन इंग्लिश के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस हैं, अराउंड 100 से ज़्यादा वीडियोस हैं, अराउंड 200 तक तो हो गई होंगी अब तक शायद, तो आप उन सब वीडियोस को देख लीजिए एक एक करके, और सारे सेंटेंसेस अगर हो सके तो किसी नोटबुक में नोट कर लो, नहीं तो हर रोज 15 से लेकर 20 मिनट तक किसी भी मिरर के सामने खड़े होकर आप प्रैक्टिस करिए। उससे क्या होगा, आप अपना फेस एक्सप्रेशन देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा और कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आएगा। हमारी मदर टंग हमें अच्छे से क्यों आती है, क्योंकि हम हर रोज उसको बोलते हैं, हर रोज पढ़ते नहीं भी है तो बोलते तो हैं ही है ना, तो ये वाली भाषा भी हमें आ जाएगी। कई लोगों को देखा आपने कितनी कितनी भाषाएं आती होती हैं, वो इसीलिए क्योंकि उसकी वो रोज प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप इंग्लिश बोलने की भी हर रोज 15 से लेकर 20 मिनट तक प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपसे वायदा करती हूँ कि आपको इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, मतलब आपको इंग्लिश बोलनी अच्छे से आ ही जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेंटेंसेस। आज का फर्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारी मम्मी ने क्या कहा। पूछते ना कि मेरी क्या कहा तुम्हारी मम्मी ने, फिर तुम्हारे पापा ने क्या बोला, तो इस तरह से सेंटेंस हम बनाते हैं। और मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस अगर मैं बनाती हूँ तो उससे मिले जुले आप और सेंटेंसेस भी बना सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो, और आपके मैं चेक भी कर सकती हूँ और बता भी दूंगी कि आपने ठीक लिखा कि नहीं। बट वैसे मैं आपको बताऊं कि आप लिखोगे इन सेंटेंसेस को सुन के तो आप ठीक ही लिखोगे। तो एक सेंटेंस को देखकर, एक सेंटेंस को सुनकर आप बहुत सारे सेंटेंसेस और भी बना सकते हो उसी तरह के। तुम्हारी मम्मी ने क्या कहा, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट डिड योर मदर से। व्हाट डिड योर मदर से, तुम्हारी मम्मी ने क्या कहा, तुम्हारे पापा ने क्या कहा। व्हाट डिड योर फादर से, व्हाट डिड योर पापा से। आपके हस्बैंड ने क्या बोला, व्हाट डिड योर हस्बैंड से। आपकी वाइफ ने क्या बोला, व्हाट डिड योर वाइफ से, है ना। तो ये वाले सेंटेंसेस इस तरह से आप कर सकते हो। ये जो मैंने एक शॉर्ट में भी बताया था, एक वीडियो में भी मैंने अपने चैनल में बताया हुआ है कि जहां पर डिड आ जाता है ना, उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट के लिए पूछ रहे हैं ना कि तुम्हारी मम्मी ने क्या कहा, है ना, तो डिड आएगा यहां पर, तो इसलिए से आएगा यहां पर, ठीक है। दोबारा से आपको ये वाला रूल बता दिया। सेकेंड सेंटेंस जो, इस डिब्बे में क्या है या फिर इस डिब्बे के अंदर क्या है, तो उसके लिए आप बोलोगे व्हाट इज इनसाइड दिस बॉक्स, व्हाट इज इनसाइड दिस बॉक्स। इस डिब्बे के अंदर क्या है, बॉक्स की जगह आप और भी जो कुछ यूज करना चाहते हो कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो, कि इस पर्स में क्या है, है ना, तो इस पॉकेट में क्या है, या अगर आपने बोला इस डिब्बे में क्या है तो इनसाइड की बजाय आप सिर्फ इन भी यूज कर सकते हो, व्हाट इज इन दिस बॉक्स, इनसाइड रहने दीजिए, व्हाट इज इन दिस बॉक्स, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम अपने ऑफिस कैसे जाओगे। पूछते ना कैसे जाओगे तुम ऑफिस, कैसे जाओगे स्कूल, है ना, तो तुम अपने ऑफिस कैसे जाओगे, उसकी इंग्लिश होगी हाउ विल यू गो टू योर ऑफिस, हाउ विल यू गो टू योर ऑफिस। ऑफिस के बजाय आप और भी बहुत सारी जैसे यूज कर सकते हो, हाउ विल यू गो टू योर स्कूल, हाउ विल यू गो टू योर कॉलेज, हाउ विल यू गो टू मार्केट, तब योर नहीं लगेगा, है ना, कि तुम मार्केट कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो टू मार्केट। तुम घर कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो टू होम, ठीक है, तुम अपने घर कैसे जाओगे, योर भी लगा सकते हो उसमें, हाउ विल यू गो टू योर होम। तो इस तरह के सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं पैदल जाऊंगा, जैसे इसके आंसर में आप बता सकते हो ना ऐसे, मैं पैदल जाऊंगा या जाऊंगी, है ना, तो इसके लिए क्या होगा, मैं पैदल जाऊंगा, तो उसके लिए होगा आई विल गो ऑन फुट,
आई विल गो ऑन फुट बोलते हैं, जब बोलना होता है मैं पैदल जाऊंगा या जाऊंगी, तो ये क्या है, ये है शॉर्ट फॉर्म आई विल की। आई होप अब तो आपको पता चल गया होगा, बहुत सारी वीडियोज में मैं आपको बता देती हूँ और बताती भी रहती हूँ साथ साथ, हर बार बताती रहती हूँ ताकि आपको जो है ना रिविजन होती रहे और आप जो है ना आगे बढ़ते जाओ, बस आप कभी भी इन चीज़ों को नहीं भूलो, है ना। और अगर ये बोलना आपने कि मैं बस से जाऊंगा, वो अलग हो जाता है ना, तो इसलिए मैंने अलग लिखा है। मैं बस से जाऊंगा, आई विल गो बाय बस। मैं कार से जाऊंगा, आई विल गो बाय कार। मैं साइकिल से जाऊंगा, आई विल गो बाय साइकिल। मैं स्कूटर से जाऊंगा, आई विल गो बाय स्कूटर। तो इस तरह से ये वाले सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। मैं हर रोज 5 सेंटेंसेस 6 सेंटेंसेस ही क्यों लेकर आती हूँ, वो इसलिए क्योंकि इन 5 सेंटेंसेस से कम 15-20 सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। तो आप प्रैक्टिस कर लिया करो उन सेंटेंसेस को बोलने की, ठीक है ना। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही जल्दी आगे बढ़ोगे, है ना। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका आंसर यस में है तो आपने क्या करना है, लाइक के बटन को प्रेस कर देना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपका कॉन्फिडेंस भी। जब नॉलेज बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।